हमारे पास जो तीसरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो है रोटेशन। इसके पहले हमने दो पढ़ा था, फर्स्ट क्या था ट्रांसलेशन और दूसरा था स्केलिंग एंड देन रोटेशन, दैट इज थर्ड वन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन दैट रोटेशन ऑफ एनी पॉइंट इज इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेशन जो होता है वो इफेक्टिव है, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही रोटेट कर सकते हैं किसी पॉइंट को। और जो रोटेशन होता है उसके एंगल को, जो थीटा एंगल होता है जिस एंगल से रोटेट होता है कोई भी पॉइंट, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और अगर जो थीटा होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और एक कोई यहाँ पे पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ओके, और इसको हमें रोटेट करना है विद सम एंगल थीटा, मान विद सम एंगल थीटा से रोटेट करना है हमें। ये इनिशियली फाई एंगल पे यहाँ पे था। ओके, तो सम एंगल थीटा पे रोटेट करना है तो यहाँ आ जाएगा पी डैश, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश। ओके, तो ये रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। ओके, तो जो थीटा होगा वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होगा, मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, जीरो जीरो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। अगर ये पॉइंट कहीं और यहाँ पे होता है तो इसको हमें ट्रांसलेट करना होता है इस ओरिजिन पे, उसके बाद रोटेट करते हैं। ओके, अब नाउ इसका देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब कि रोटेशन मैट्रिक्स क्या होगा। आर से डिनोट करेंगे रोटेशन मैट्रिक्स, इसको टी से भी डिनोट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ ए रूटीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। एंड इसकी जो वैल्यू होती है कॉस थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको लेंगे पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो थीटा को लेंगे नेगेटिव, हर जगह पे नेगेटिव नेगेटिव थीटा लिखेंगे, और इसे टी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब फिर हमें निकालना है फाइनल पॉइंट, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया रोटेट होने के बाद, तो पी डैश का पॉइंट निकालना है फॉर पी डैश हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश वन इज इक्वल टू एक्स वाई वन इंटू रोटेशन मैट्रिक्स और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, दैट इज एक्स वाई वन और कॉस थीटा साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा सॉरी जीरो जीरो सॉरी सॉरी एंड जीरो जीरो वन, दैट इज दिस। ओके, और एक और एग्जांपल देखते चलते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो देख लिया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अगर बनाए तो ये कोई एक्स वाई प्लेन हो गया और एक कोई ये पॉइंट हो गया क्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये इनिशियली फाई पे है और ये थीटा से रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे आ जा रहा है क्यू डैश या फिर क्यू वन, पॉइंट इसका एक्स वन वाई वन। ओके, तो इसमें जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या लेंगे हम, लेंगे नेगेटिव बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या फिर जिसको रोटेशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसका वैल्यू तो सेम होगा, कॉस थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन, बट यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब जितना डिग्री से रोटेट कर रहे होंगे ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, अब एक एग्जांपल देख,
नाउ ये एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ लाइन हैविंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं इसके पास, लाइन के पास, व्हेन इट इज ट्रांसलेटेड बाय 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड देन रोटेटेड बाय 30 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। मतलब टी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है 3, और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 30, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन है तो -30 डिग्री। ओके, अब हमें फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो होगा वो हमें पता है क्या होगा, वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इंटू रोटेशन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के लिए हम पता है क्या हुआ, 1 0 0 0 1 0 और 3 0 1, बिकॉज हियर इज टी एक्स दैट इज 3। और जो रोटेशन मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉस -30 डिग्री, साइन -30 डिग्री, 0 माइनस साइन -30 डिग्री, और कॉस -30 डिग्री, 0 0 0 1। इसका जो वैल्यू है वो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा 0.8660 -0.50 0.5 0.8660 0 0 0 1। अगर कैलकुलेटर से हम निकालें तो फिर उसके बाद से हमारे पास फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें निकालना है, तो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका और इसका। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 1 0 0 0 1 0 3 0 1 इंटू ये वाला मैट्रिक्स 0.866 -0.50 0.5 0.8660 0 0 0 1। ओके, अब मैं ये निकाल नहीं रहा, यू कैन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा। उसका आंसर ये आ जाएगा 0.866 -0.50 0.5 0.8660 0 2.598 -1.5 and 1। ओके, थैंक यू।